ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार ठाकुर सिंह द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस राहुल ठाकुर व जिला अध्यक्ष शिव कुमार मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए रणनीति तैयार कर कार्यकर्ताओं को ब्लॉकों में कार्यों के दायित्व भी दिए गए, ताकि ग्राम पंचायतों में लोगों से जनसंपर्क कर बूथ को मजबूत बनाया जा सके। कर्नल धनीराम शांडिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईकमान जिसे भी चुनाव में उम्मीदवार बनाकर उतारती है, जैसे भी दिशा निर्देश होंगे उसके चलते चुनाव लड़ा जाएगा। और जैसा भी निर्देश होता है जो भी कैंडिडेट होता है उनका अभी ऐसा ही होगा। अभी तक फैसला विजय श्री प्राप्त करनी है। इस बार मोदी जी ने लगभग पिछले 5 वर्षों में जो वादे किए थे वो कभी पूरे नहीं हुए। आप किसी तरफ से ले लो, बड़ी बड़ी लिस्टें बनाई और जब देखा तो सबसे एक भी नहीं। कुछ भी देख लो आप, चाहे वो धारा 370 है, चाहे वो आर्टिकल 370 है, चाहे वो जो बेरोजगारी का करना था, समाप्त करना था। हाँ देखिए, जहाँ तक साल जो लोगों का है वो इतना है कि मैं समझता हूँ कि चारों सीटों पर कांग्रेस विजय होने। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।